और केवल हम यही चाहते हैं कि जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना। और जिथे भी जा रहा ये हलेलुया शब्द नू मसीह भाईचारे नू पूरा टारगेट कर रहा, मगर ये बंदा अपने आप नू हिंदू भाईचारे दा शास्त्री कहंदा वा। दोस्तों, कल मैंने ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का आपको ये वीडियो दिखाया था अपने चैनल से, और उसके अंदर आपने देखा था कि कैसे ये बागेश्वर धाम वाला बाबा जब पठानकोट में अपनी सभा करने के लिए जाता है और मीडिया को गलत तरीके से क्रिश्चियन लोगों को लेकर के बयान देता है और हालेलुया को इतना तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से बोलता है। अब बात दोस्तों ये है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी एक सभा को करने के लिए पठानकोट में आए थे तो क्रिश्चियन लोगों को लेकर के गलत तरीके से बयान क्यों दिए? अगर आपने वो बयान नहीं सुना है तो मैं भी आपको वो बयान भी सुना देता हूं, और उसके साथ मैं आपको वो वीडियो भी दिखाने के लिए जा रहा हूं जो कि आज की इस वीडियो में मुझे आपको दिखानी थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सुनने में ये आ रहा है कि जैसे अभी जो मैं आपको बयान सुनाने वाला हूं, इसी से मिलते जुलते बयान जितनी बार भी मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरव्यू दिया उतनी बार क्रिश्चियनों के ऊपर उल्टे सीधे सवाल उठाए और गलत तरीके से हालेलुया का मजाक बनाया। अभी जो हमारे पास वीडियोस है, पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो उन्नत है और यहाँ के लोग बड़े प्यार वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। आते ही सबसे पहले हम स्वर्ण मंदिर गए, वहाँ पर जो सरदारों ने स्नेह पूर्वक प्रेम लुटाया उसके हम ऋणी हैं। हमने गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए और दरबार साहब में हमने मत्था टेका। इसके बाद में फिर हम दुर्गियाना मंदिर भी गए। अब यहाँ पर 3 दिवस तक भगवत चर्चा देवी महात्म के ऊपर सुनावेंगे। और पंजाब बहुत अच्छा क्षेत्र है, बस हमारा ध्येय पूरे भारतवर्ष में अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। और केवल हम यही चाहते हैं कि जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाएं। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई ध्येय इसके लिए बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का सिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले भाले हिंदुओं को सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पर विशेष कसाव नहीं होगा तब तक इस देश में यह परिस्थिति निर्मित रहेगी। जो धीरेन्द्र शास्त्री नाम का बंदा एक गोल्डन टेंपल विखे आया सी, जो साडा पवित्र लफ्ज है हालेलुया दा, उन्हें तोड़ मरोड़ के बड़ी अश्लीलता दे नाल ने पेश किया। अज ये बंदा बाहरों आके जेड़ा पंजाब का माहौल खराब कर रहा वा, 3 दिनों का प्रोग्राम पंजाब च कर रहा, और जिथे भी जा रहा ये हालेलुया शब्द नू मसीह भाईचारे नू पूरा टारगेट कर रहा, मगर ये बंदा अपने आप नू हिंदू भाईचारे का शास्त्री कहंदा वा, और बाबा जो दुनिया नू लुट रहा जेड़ा मसीह भाईचारा वा, बहुत शांति पसंद अही लोग हैं, दसा नौवां की किरत कमाई करने वाले लोग हैं। जो इदा के शैतान लोग इदा के गंदे लोग आके साडे भाईचारे नू जड़ियां गलत गल्लां करदे ने और साडे भाईचारे के खिलाफ बोलते हैं, फिर जिथे असी शांति पसंद है उसे असी क्रांति पसंद भी हाँ। तुहानू लगदा इत्थे तुहाडी सुनवाई होगी? जी सुनवाई होएगी, अगर नहीं सुनवाई होएगी तो संघर्ष होर भी तिखा किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। परमेश्वर के दास बिशप विजय मानवल 8 नवंबर को पटना बिहार कुर्जी में आ रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ले हैंड प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े कामों को आप उस दिन देखेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये बड़ी सभा वहाँ पर होने वाली है। चाहे आपके पास बच्चा ना हो, चाहे आपको कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी जादू टोना हो, भूत प्रेतों का काम हो, आप जरूर इस मीटिंग में आए। 8 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप खुद भी आए और अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए, औरों को भी बताएं इस मीटिंग के बारे में। स्क्रीन पर दिए गए इस एड्रेस पर आपको आना है और अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया, सबसे पहले वाला वीडियो तो आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री का कि किस तरीके से वो मजाक बनाता है हालेलुया का और मसीह लोगों के ऊपर फिर से धर्मांतरण का आरोप लगाता है, बोलता है कि ये लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये धीरेन्द्र शास्त्री फेसबुक में से देख करके लोगों को उनके बारे में बता करके सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बाबा बन गया हूँ, बहुत बड़ा मैं एक संत बन गया हूँ, तो ऐसी इसकी भूल है। और आगे जो दूसरा वीडियो आपने देखा, मैं आपको बता दूं, वो अंकुर नरला मिनिस्ट्रीज के प्रधान का वीडियो है जिसके अंदर वो इस बात को बोलते हैं कि ये बागेश्वर धाम वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पंजाब में आया, पठानकोट में अपनी मीटिंग किया, गोल्डन टेम्पल में गया तो वहां पर जाकर के गलत बयान दिया, हालेलुया का मजाक बनाया, और पंजाब के सीएम ने ऐसा कहा है कि कोई भी अगर किसी के धर्म को लेकर के उल्टी सीधी टिप्पणियां करेगा तो जो उसके ऊपर बनती होगी कार्रवाई वो की जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के अंकुर नरला मिनिस्ट्री के प्रधान जाते हैं वहां पर।
अपने साथ और भी मसीह लोगों को ले जा करके प्रशासन के पास जाते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। बाकी दोस्तों, जब मुझे इसके बारे में और भी कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अभी यही जानकारी है कि अभी पंजाब के कुछ मसीह लोगों ने इसके ऊपर FIR की मांग की है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कोई आगे मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल से हमेशा डालते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।